जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस थे। साल 1955 में उनकी मौत के बाद से ही अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रहा है। आइंस्टाइन के दिमाग में आखिर ऐसा क्या था जिसके चलते आइंस्टाइन ने भौतिक विज्ञान की असाधारण खोजें की? बहुत कम लोगों को पता है कि उनके निधन के बाद उनके दिमाग पर रिसर्च किया गया। दरअसल आइंस्टाइन का दिमाग सामान्य लोगों से काफी अलग था, जिसके कारण उन्होंने दुनिया को बदल देने वाली कई खोजें की। हालांकि आइंस्टाइन का दिमाग बाकी लोगों से अलग कैसे था, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, तो आज हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि आइंस्टाइन को बचपन में असामान्य बच्चा माना जाता था, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन को माना जाता था। आइंस्टाइन एक बहुत ही शर्मीले बच्चे थे और 4 साल की उम्र तक एक शब्द भी बोलना शुरू नहीं किया था। आइंस्टाइन ने 9 साल की उम्र में पहली बार स्पष्ट रूप से बोलना शुरू किया, लेकिन आगे चलकर यही आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक के तौर पर सामने आया। निधन के बाद आइंस्टाइन के दिमाग की चीरफर करने पर पता चला था कि आइंस्टाइन का दिमाग सामान्य मनुष्य के दिमाग से भारी था। उसका वजन 1.5 किलो का था। दूसरी अहम जानकारी ये रही कि उनके दिमाग का सेल्वियन फिशर दूसरों के दिमाग से छोटा था। दोस्तों, कुछ साल पहले हुए एक शोध में पता चला है आइंस्टाइन के दिमाग का सेरेब्रल कोर्टेक्स नाम का हिस्सा एक औसत इंसान के मुकाबले में आश्चर्यजनक रूप से भिन्न था। सेरेब्रल कोर्टेक्स मानव के दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो सबसे जटिल दिमागी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। स्मरण शक्ति, कार्य योजना बनाना, चिंता और तनाव, भविष्य की योजनाएं बनाना, कल्पना करना आदि कामों के लिए दिमाग का यही हिस्सा जिम्मेदार है। ये भाग असाधारण और अजीबोगरीब ढंग से निर्मित और विकसित होता है और दिमाग की सतह पर न्यूरॉन्स के संयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि आइंस्टाइन का दिमाग इस संयोजन के लिहाज से बहुत अधिक जटिल था, जिसके कारण ही आइंस्टाइन का दिमाग सामान्य लोगों से अलग चलता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के कई टुकड़े करके अमेरिका के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें टॉपिक का नाम जरूर बताएं। आइंस्टाइन के निधन के बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने आइंस्टाइन की आंखों और दिमाग को अंत्येष्टि से पहले ही निकाल लिया था। डॉक्टर ने ऐसा ये जानने के लिए किया कि उनके मस्तिष्क की बनावट में उनकी असाधारण प्रतिभा का कोई रहस्य तो नहीं छिपा है। उनके परिजनों ने मस्तिष्क के साथ इस प्रयोग की अनुमति दे दी थी, पर ऐसी कोई असाधारण संरचना उनके मस्तिष्क में नहीं मिले। मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा शिकागो के नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, आप अभी क्या कर रहे हैं हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा और मजेदार जानकारियों के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए।